बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन मैं बात करूंगा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी न्यू मेट्रो सिटी जो गुजर खान में तामीर हो रही है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि न्यू मेट्रो सिटी जिस जगह पर बनाई जा रही है वहाँ पर बरसाती नाले बहते हैं और मेन जीटी रोड से 10 से 15 फीट नीचे ये जगह है। लेकिन मलिक रियाज़ का नाम बदनाम करने की जो साजिश है वो भी बेनकाब हो रही है, क्योंकि मलिक रियाज़ का नवासा अब मलिक रियाज़ का नाम बदनाम करेगा। एक नाम बनने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के लालची लोग आते हैं जो मलिक रियाज़ का नाम इस्तेमाल करते हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है, इनकी एक साइकी है कि ये किसी को तरक्कियों की बुलंदियों पर नहीं देख सकती और हमेशा से लेग पुलिंग होती रही है। यह पाकिस्तान की तारीख बड़ी बड़ी है। लेकिन आपको मालूम है कि मलिक रियाज़ ने जिस तरह डिलीवर किया, अब उसका नाम बदनाम करने के लिए उसके नवासे बिलाल बशीर मलिक ने जिस तरह का काम किया कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है ये गैर कानूनी है। फिर होता यह है कि मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपये दिया जाता है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम को और वहाँ पर LOP अप्रूव किया जाता है। लेकिन प्रोग्राम में आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इस हवाले से आपको मालूम है कि 22 जुलाई को 776/22 थाना गुजर खान में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो इंस्पेक्टर तारिक है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद आपको मालूम है असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान ने जितने भी बिल बोर्ड जितने भी इश्तहार शुरू हुए थे न्यू मेट्रो सिटी ने जो लगाए थे उनको उतारा गया और न्यू मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया ने पंजाब गवर्नमेंट पर जोर डालकर असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान गुलाम अवैस का तबादला करवा दिया। बाद हज़ा 3 दिनों बाद वो तबादला मनसूख हो गया और जो गुलाम अब्बास थे वो दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान के तौर पर तैनात हो गए। लेकिन इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि SHO गुजर खान जो चौधरी बिलावल हैं, साबिक SHO हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपया लिया और अपने वालिद मोहतरम जो साबिक SSP हैं चौधरी तजमल के नाम पर एक फ़ाइल ली। हमने अपने प्रोग्राम में आपको ये भी बताया कि जो मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर थे अली असद अबू बकर, उन्होंने भी मुबैना तौर पर इतला ये मौसूल हुई है कि 2 करोड़ रुपया वसूल किया और 2 फाइलें न्यू मेट्रो सिटी से ली, इस वजह से कि वो न्यू मेट्रो सिटी के किसी भी मुलजिम को, यानी कि 4 मुलजमान थे जिनमें बिलाल बशीर मलिक को नामजद किया गया था, मोहम्मद शर्जील को नामजद किया गया था, उमर शदाद मलिक को नामजद किया गया था, जरोन मसूद को नामजद किया गया था। ये कहा गया था जो तफ्तीशी है मुकदमे के, उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करूंगा और ये केस इसी तरह चलता रहेगा, बाद हज़ार चलान में इन तमाम मुलजमान को खाना नंबर 2 में रख दिया जाएगा ताकि इनके ऊपर केस बाकी ना रहे और अदालत इनको बरी कर दे। अब इतला ये मौसूल हुई है क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जो कार खास था SHO का अदनान कांस्टेबल, उसने 2 फाइलें ली हैं, असद अली बुबकर ने 2 फाइलें ली हैं, इस तरह शहरियार सब इंस्पेक्टर उन्होंने 1 फाइल ली है, जैनुल आबदीन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम हो गए, ज़हीर अहमद कियानी हो गए, ये जो ASI हैं इन्होंने भी फाइलें ली हैं और जो साबिक मुहर्रर थे उस्मान उन्होंने भी 1 फाइलें ली हैं। अब बात यह है कि ये तमाम बातें सिटी पुलिस ऑफिसर नदीम शहजाद बुखारी को भी बखूबी इनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन मालूम नहीं है कि नदीम शहजाद बुखारी जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं उनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं कि इतनी बड़ी एक कार्रवाई हो रही है उनके नाक के नीचे। उनके मुतल्लिक ज़ुबान सदयाम के बहुत ही दयानतदार CPO हैं, निडर हैं, लेकिन क्या वजह कि सिटी पुलिस ऑफिसर इन पुलिस एहलकारों स्पेशली जो मुकदमे के तफ्तीशी हैं अली असद अबू बकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि एक प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया था कि उनको इनाम के तौर पर अली असद अबू बकर को कायम का SHO लगाया गया। अब इतला ये मौसूल हो रही है कि अली असद अबू बकर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, यानी कि उन्होंने लीव अप्लाई की, उनकी लीव भी अप्रूव होगी। इससे पहले चौधरी बिलावल ने जितने पैसे लेने थे, जो प्लाट लेना था, वो 1 साल की छुट्टी लेके बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब यहाँ पे अगर एक आम बंदा होता, एक गरीब शहरी होता, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता तो पुलिस उसके घर पे भी रेड करती, जहाँ पे उसका दफ्तर होता वहाँ पे भी रेड करती। यहाँ पे तो यह है कि न्यू मेट्रो सिटी एक अपना इवेंट करती है, उस इवेंट में रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस नामजद मुलजम बिलाल बशीर मलिक को प्रोटोकॉल दिया जाता है और जितने भी पुलिस एहलकार वहाँ पर जाते हैं हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी ऊंट के गोश से तवाज़िया की जाती है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन आपको पता है बेल्टिंग की गई है न्यू मेट्रो सिटी की और वहाँ पे जो कमर्शियल प्लाट है, इस हवाले से भी हमने एक स्टोरी जो हमें अपने सोर्सेज से मिली है कि बेल्टिंग जो की गई है, किसी भी गुजर खान के प्रॉपर्टी डीलर को, किसी भी गुजर खान के मकीन को वहाँ पर प्लाट नहीं दिया गया, उन लोगों को प्लाट दिया गया है जिनका ताल्लुक
दूसरे अजला से है या दूसरे सूबों से है, क्योंकि यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जो पहला हक है वो जो गुजर खान के मकीन हैं या जो गुजर खान के तराफ में रहायश पजीर हैं उनको प्लाट दिए जाते, लेकिन यहाँ पे भी बेल्टिंग में मुबैना तौर पर, बल्कि मुबैना का क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उन्होंने अपने मखसूस बंदों को प्लाट नंबर अलाट कर दिए हैं। अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिन्होंने अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई थी वो अब हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इस हवाले से हमने एक नाम लिया था चेयरमैन शीला जो तमाम ज़मीनें वहाँ पर एक्वायर करके दे रहा है। चेयरमैन शीला को इनाम के तौर पर शुनीद है कि एक गाड़ी दी गई है और बहरिया टाउन में एक प्लाट भी दिया गया है। इस हवाले से भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बेल्टिंग के हवाले से हम एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी हमारे से रबता किया है। अब आपको एक बात बता दें कि हम नीचे जो नंबर देते हैं ये नंबर हमारी टीम के पास होता है, जिस तरह मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो शाम 5 से बाद वो मेरे से बात कर सकते हैं। इस हवाले से किसी के पास कोई भी सबूत है बेल्टिंग के हवाले से, क्योंकि हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बेल्टिंग के हवाले से हमें मालूम हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ अपने मखसूस लोगों को नवाजा गया है, और जो जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई थी मार्केट से उनको सिर्फ एक सब्ज़ झड़ी दिखाई गई है, सब्ज़ झंडा दिखाया गया है कि आप फ़िलहाल सुकून करें, अभी आगे हम जगह एक्वायर करें, क्योंकि शमलाती जगह ये भी इतला मौसूल हो रही है और शमलात कभी किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आप बैरिया टाउन का देख लें, बैरिया टाउन की आप अगर रजिस्ट्री अदालत में ले कर जाएंगे तो आपके जो मुचलके हैं बैरिया टाउन की रजिस्ट्री पर मुचलके नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री होती है वो आपके नाम पर नहीं बल्कि उसका मालिक बैरिया टाउन होता है। इस तरह हम न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या सिटी पुलिस ऑफिसर या रीजनल पुलिस ऑफिसर या पंजाब हुकूमत न्यू मेट्रो सिटी जो इतना बड़ा स्कैम कर रही है। इस हवाले से आपको मालूम है कमिश्नर ने भी एक ट्वीट की थी कि ग्रीन एरिया में कोई भी सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। अब इसका क्या होगा आने वाले वक्त भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन बेल्टिंग के हवाले से इंशाल्लाह कल प्रोग्राम करेंगे, आपको कुछ और हकीकत बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।